आमतौर पर हमने शादी के कई रस्मों और रिवाजों के बारे में पढ़ा, सुना और देखा भी है, लेकिन आदिवासियों के शादी के रिवाज बाकी सब शादियों से अलग होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रिवाज के बारे में बताते हैं जिसके अनुसार लोग दूसरों की पत्नियों को चुरा कर उनके साथ दोबारा शादी करते हैं। इससे पहले आपको यह बता दें कि हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के वो दाबे जनजाति की, जहाँ शादी में कुछ ऐसा ही रिवाज है जिसे आज भी बखूबी निभाया जाता है। जी हाँ, इस जनजाति में लोग दूसरों की पत्नियों को चुरा कर अपनी शादी रचा लेते हैं। यही नहीं, इस शादी को समाज में लव मैरिज के रूप में जाना जाता है। यह इसीलिए क्योंकि पहली शादी तो वे लोग अपने घर वालों की मर्जी के अनुसार करते हैं, लेकिन दूसरी शादी उन्हें किसी भी व्यक्ति की पत्नी को चुरा कर करनी पड़ती है। इस जनजाति में हर साल गेरेवोल फेस्टिवल होता है, जिसमें लड़के अपने चेहरे को अनेक प्रकार के रंगों से सजाते हैं। लड़के ऐसा दूसरों की पत्नियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही वे उन्हें रिझाने के लिए नाचते भी हैं, लेकिन उस वक्त वे लोग इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि इस बात का पता उसके पति को ना चले। इसके अलावा जब महिला भी उनसे आकर्षित हो जाती है तो वे दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, और समुदाय वाले लोग भी इस बात की रजामंदी से दे देते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।